आने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो जी आज ना हमारा नया व्लॉग है, ये नई लोकेशन का व्लॉग है। आज हम लोगों ने आपको थोड़ी सी जगह चेंज करके दिखाई है। ये है मेरी बड़ी अम्मी का घर, आप लोग जानते होंगे। तो मैं ना ऐसे ही यहाँ पे बैठ के कपड़े सी रही थी, इसने कैमरा ऑन कर दिया, तो इसने बोला आ जाओ कश्यप बाजी, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। ने बोला चलो वीडियो बनाओ और मैं जो है ना इनको फिर अपनी ड्रेस भी दिखा दूंगी जो मैं सीती हूँ। और ये सब के सब ड्रेस है ना मैंने हाथों से सीए हैं, इसमें मशीन का कोई मैंने काम नहीं दिया। ये देखो सारे, मैं भी तो सलाम कर लूँ ना, सबर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। इसने कितने प्यारे प्यारे कपड़े बनाए, ये सब लड़कियों के सूट है। ये टोपी बनाई है मैंने, इसको ऐसे पहनी, समझो ये मेरा हाथ मेरा सर बन गया, सही है। ओए ओ हैकर जिसकी टोपी नहीं पहनती जैसी, वैसी टोपी बनी ये है। वो है नेकर, ये सारे सूट मैंने खुद हाथों से सिए, आप लोग कैसे लगे आप लोग बताइएगा। ये सूट जो है ना, ये भी मेरा कारोबार है, ये मैं सी सी के बेचती हूँ, सिलाई पक्की मारती हूँ। इसकी टोपी है ये, और ये बिब बनाई है मैंने, लगता ही नहीं कि ये हाथों से सिले। ये सारे के सारे मैंने सिए हैं, कपड़े जो होते हैं ना ये वाले कपड़े, ये मैं बाजारों से खरीद खरीद के लाती हूँ, कुछ घर से ही पूरे कर लेती हूँ, तो वो चलाक मम्मा इसको बोलती है सब, हर वक्त जब भी जिसको देखो ना ये एक ही काम लेके बैठी होती है, बस सुई सुई और धागा। हाँ असल में ना ये मैं सीख भी रही हूँ, तो मैंने बोला मैं चेकिंग भी कर लेती हूँ। ये वाली चड्डी सबसे अच्छी बनाई है, और एक ये वाला सूट है, तो बिल्कुल पैदाइशी बच्चे का सूट है। ये मेरा पहला पहला हाथ था। एक ये वाला भी है, ये वाला सबसे, ये तो 2 साल के बच्चे का सूट है। और ये मैंने चड्डी स्टाइलिश सी है, देखिए नीचे भी इलास्टिक डाल दी। आप लोगों को कैसे लगे ये आप लोग बताइएगा। और जो है ना आप लोग, आज आप लोगों को हमारी जगह लोकेशन कैसी लग रही है बताइएगा, हमें कैसी लग रही है भी बता दिएगा। चलो अच्छी लग रही है, आप लोग भी बताते, मेरा सांस चलता रहता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बीपी लो हो जाता है। नहीं इसको रात को नींद ही नहीं आती। चलो अब मैं आपको मम्मा के पास लेके जाता हूँ, मम्मा देखते हैं क्या कर रही है, मम्मा का रिएक्शन देखते हैं जरा। अम्मा जी मैं आपकी फोटो बनाने आया हूँ। हाँ? मैं आपकी फोटो बनाने आया हूँ। अभी आप लोग ये चूल्हा जलाते नहीं? जलाते हैं कभी कभी आलू बनाने के लिए। फोटो बनाने? हाँ चले, खड़ी तो है, खड़ी होके फोटो बनती ना, ऐसे कैसे बनती सवाल। चले बना, बन गई बन गई। अच्छी बहुत भाई, बहुत प्यारी लग रही है आप कसम से। बस सच में चले फिर और बना। बन गई बन गई, बस और भी बनाए ना दो तीन। काम नहीं करूँगा, सिर्फ मैं काम करूँ, सहन समय बैठी थी, लाइट जाएगी ना अभी तो मैं बाहर ही बैठूंगी। आपसे एक बात करूँ? अरे गर्मी हो रही है, अंदर कमरे में नहीं बैठ सकती। सही, आप ये एक बात बताओ मेरे को, क्या? ये आप कपड़े उतार उतार के फेंकते रहते हो? मैं ये कपड़े असल में गंदे हो गए ना, इस वजह से मैं फेंकता नहीं हूं। आती है इंसान इधर उधर साइड पर, मैं फेंकता नहीं हूं, मैं तारों पर लटकाता हूं। कशी भाई आपको पता है हवा चल रही है तो कपड़े गिरेंगे नहीं, वो अपने कपड़े लटका के मेरे फेंक देती है। ओ चलो आप लोग अपनी खैर खैरियत सुनाओ। आज हम लोग बुलबुले वाले बुलबुले वाले घर घर में आए हुए। किससे पूछ रहा है खैरियत? आपको एक बार बताऊं? बताओ। मैं वीडियो बना रहा था, तस्वीरें थोड़ी ना बनी। ये है सच में? आ रहा तो पहले बताता। ऐसा भी क्या हो गया, बम तो नहीं फट रहा क्या? आशीष आपको पता है ना क्या कैसी वीडियो बनाती हूँ, कैसी लग रही हूँ ना? सही, अच्छी लग रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? या आतिफ कैमरा लेके आ, पता है मजी आपकी तस्वीरें बनाता हूँ, मैं भी खड़ी हो गई, मुझे बोल नहीं रहा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। खैर मैं ना अभी आई हुई थी इधर, मलिक साहब लेके मुझे छोड़ के गए, तो
अभी मैं पता नहीं कितने दिन इधर हूँ, पता नहीं कितने दिन हूँ, कॉलम नहीं आता। आता तो मैंने बोला मैं पता नहीं कितने दिन इधर हूँ कितने दिन नहीं हूँ, क्योंकि ना ये वाला घर जो है ना, मलिक साहब ने मुझे बताया कि बेचने के इरादे में है। तो मैंने बोला कि उनको मैंने मना करा, मैंने बोला आप अगर बेच देंगे घर तो क्या होगा कि पैसे वैसे इंसान होता है ज़रूरतों पे लगाते हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मलिक साहब ने बोला हाँ, मैंने समझाया, मतलब जो मेरी सोतन है ना वो लोग चाह रहे हैं कि ये घर बेच के वो लोग कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो मलिक साहब बोले मैं ऐसा चाह नहीं रहा कि वो कहीं और शिफ्ट होए। तो मैंने बोला चलो मैं जाती हूँ, मैं एक काम करूँगी कि मैं ना ऊपर मेरा कमरा है ना, तो मैं उधर ही रहूँगी जितने दिन तक ये मसला चल रहा है। तो इससे ये होगा कि मैं घर को मतलब बेचने नहीं दूँगी, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या है, बंदा बार बार बनने की चीज़ नहीं होती। इतनी महंगाई के हालात हैं, आप लोगों को पता है, इस ज़माने में तो बंदा प्याज टमाटर ख़रीदने जाए तो इतना सोचना पड़ता है, तो प्रॉपर्टी ख़रीदना तो बहुत मुश्किल काम है, बस की काम नहीं। हाँ, तो इस वजह से ना इस सिलसिले में मैं यहाँ पे आई थी, सिलसिले मुलाकातों के, और मैं अपने ना कपड़े भी लाई हुई साथ में। तो क्योंकि मैंने बोला मैं पता नहीं कितना दिन रुकूँ कितना दिन नहीं, तो मैं ब्लॉग तो अपने नहीं छोड़ सकती, ब्लॉग तो मेरे जारी रहे। मम्मा ने सब अपने कपड़े वहाँ से ले आई। हाँ, जो भी मेरे कपड़े थे कशीबाजी के थे, जितने भी वहाँ पर सीधे ये ना सब कमरे में ले गई, आप लोगों ने देखा है। हाँ, वो मुझे अभी छोड़ के गए, तो फिर मैं ना अभी छत की सफाई कर रही थी, चीज़ें वीजें वहाँ कोने में चूल्हा जो नहीं है, मम्मा के साथ प्रैंक हो गया वहाँ कोने में चूल्हा था ना, उसकी ब्लॉक गिरी थी। मैं अभी आतिफ से यही पूछ रही थी, आतिफ आप लोग यूज़ नहीं करते हो चूल्हा, तो ये लोग शायद नीचे पकाते हैं खाना। हम लोग कभी कभी जो आलू नहीं बनाते, वो जो कौन से आलू, वो वाले जो कोयलों के अंदर डाल के बनाए, वाले आलू यहाँ पर पकाते हैं। आतिफ सोलर भी इतना गंदा हो रहा है, जब भी मैं बोलूँ पंखा क्यों नहीं चल रहा, धोते वोते नहीं हो, कल तो साफ किया था। सबर, मैं कपड़ा ले लिया, बाकी अब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना। चलो आप मम्मा तो गई ये देखो आप लोग, हम लोगों ने सब चीजें ले आई यहाँ पर, हमने कपड़े ले। और मम्मा कह रही है सोलर साफ, और मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वीडियो। इतनी दूर तो आते मेरा हाथ भी लग जाए। मैं कर दूँ, आप वीडियो बनाए, मैं कर देता हूँ ना, मसला थोड़ा। मैं पूरी छत की सफाई करने लगी वीडियो के समय। नहीं, अभी लाइट नहीं जाएगी। मेरे विलेज में तो ऐसा होता है, लाइट जाने का तो कोई चक्कर ही नहीं है, और हवा 24 घंटे ऑनलाइन रहती, कुदरती अल्लाह ताला की रहमत बरसती। यहाँ पर तो हवा हल्की सी भी नहीं है, मेरे को वहाँ की आदत हो गई। अरे मैं ऐसा नहीं होता, जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो बुलबुले वाली बातें कर रहा होता हूँ, जब मैं यहाँ पर आता हूँ वो उस टाइम में बुलबुले वाली बातें कर रहा होता हूँ। हाँ, ये बात तो है, इतना ऊपर का चढ़ी गिर जाएंगी, ये तो मुझे लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी। तो चढ़ी क्यों, मेरे को बोल दे, मैं खतरों की खिलाड़ी हूँ, पता नहीं खिलाड़ी है तो मछलियाँ पकड़े, मछलियाँ पकड़ के बताया ना, फिर मानू आपको, समंदर भी नहीं गई हम लोग इतने दिनों से। हाँ, समंदर तो मैं इतना अच्छा हो गया गई नहीं, मैं हूँ खतरों की खिलाड़ी। देखा, ये दीवार इतनी कमजोर है, अगर गिरी तो मैं इसके समेत नीचे जाऊंगी दीवार को मैं हल्का ऐसे करता हूँ, हल्की चिंगड़ी भी मारता हूँ, ऐसे करती हूँ। मेहरबानी है मेरे शोहर की, क्या बोल सकती हूँ। चलो अभी ना मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी छत से झाड़ू लगाना है। तो अभी ना जब लाइट जाएगी फिर मैं बच्चों के साथ यहाँ बैठ के खेलूँगी, सही है। तो आतिफ पता नहीं ऐसे ही लेके आ गया कैमरा, मैं समझा मेरी तस्वीरें खींच रहा है, मैंने भी खिंचवानी शुरू कर दी यार मेरी वजह, आप वॉशरूम से निकल ली थी एकदम से, मैंने आपके ऊपर भालू फेंका था, मैं भी आ गई वीडियो एंड करने के लिए। हाँ तो जी, अभी हम लोग वीडियो को इस्तेमाल पे पहुँचाएंगे। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ये प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ नए देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। हाँ जी, तो इंशाल्लाह हम लोग आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग का। अभी मेरा पता है क्या इरादा बन रहा है, कि मेरा इरादा बन रहा है, मैं अभी यहाँ पे हूँ ना पता नहीं कितने दिन,
तो मैं जैसा मैंने अपने घर में स्टोव बनाया है ना, मेरा इरादा मैं इधर या उधर बनाऊं स्टोव। यहाँ पर अम्मी का राज चलता है। और ये तो ऊपर का पोर्शन मेरा है बेटा, इधर मैं बना सकती। दीदी अम्मी आप मारेंगी पकड़, कैसे कैसे बनाएंगी? तुम्हारा बाप छोड़ के गया मुझे यहाँ पे, अब अम्मी का कुछ कर सकती है? डॉन है ये मेरा घर है अम्मी, हम लोगों को पकड़ के मारती हैं, हम कुछ गलत करती हैं तो। अब मैं यहाँ की महारानी नहीं, बच्चा जब गलत करता है डांटना तो चाहिए या नहीं? मार देना चाहिए, सर कलम कर देना चाहिए। अम्मी को बोलूंगी, अम्मा कहती है मार देना चाहिए, सर कलम कर देना चाहिए, फिर अम्मी वही करती। काटते हैं उसका गला माहिश्वती। ये मेरे बच्चे फौरन बाहुबली की फिल्म बनाने बैठ जाते हैं, हम तो इन लोगों को रट गई है देख देख के। चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं, सही है। सफाई कशिश करेगी, बाकी घर में नहीं, मैं कपड़े सी रही थी, बाकी कमरा ओ सॉरी छत मैंने समेट दिया है। तो असल में से नए नए कपड़े पहने ना, इस वजह से बोली है, पुराने अगर वीडियो ना बन रही होती ना तो ये सफाई कर लेती, देखा ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आप लोग दीजिए हमें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान सामने आ गया। ऑफ का भी बटन है? नहीं ऑफ का बटन नहीं है, अभी ऑफ नहीं करूंगा जब तक माफी नहीं मांगूंगा अंकल लोगों से। लोग नहीं माफी किस चीज की? लो सब्सक्राइब करो। देखो हम लोगों ने झंडिया लगाई थी, कितनी मरतबा लगाई, आधी की सारी आधी उतार दी, आधी की सारी उतार दी, मैं पता नहीं क्या बुला रही हूं, तोतरी बकरी हवा ने उतार दी है, बोल ना हवा ने उतार दी, आधी इसने भी आतिफ ने भी उतार दी, बाकी है मैंने बोला इसको उतारा तो मारूं पकड़ के, मैंने ऐसे बोला। ये रस्सियां तो अच्छी लग रही है ना, मेरे को अच्छी लग रही है, पागल हूँ क्या इसको?